Hi everyone, welcome back to Lead Coding. I am Faraz and I am an incoming software developer at CureFit. तो एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है एंड बहुत जल्दी आप लोग भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो ये है कि कुछ स्टूडेंट जिनकी कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, जिन्होंने DSL को बहुत अच्छी लेवल पे किया हुआ है, लेकिन उनका बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होते होते रह जाता है. एंड एक स्टूडेंट जिसने DSL को एक एवरेज लेवल पे किया हुआ है, साथ ही साथ उसने अपने फंडामेंटल्स किए हैं एंड उसने प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छी कंपनी में हो जाता है एंड काफ़ी जल्दी भी हो जाता है. इसका रीज़न ये है कि जो कंपनीज आती हैं दे सर्च फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग इज़ अ बैड थिंग. कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग से बहुत एडवांटेज मिल जाता है आपको, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ अपने फंडामेंटल्स भी कर लेंगे एंड प्रोजेक्ट भी कर लेंगे तो जो आपका एडवांटेज है वो इंटू 100 हो जाता है. तो इसीलिए अपने चैनल पर हम सब कुछ कवर कर रहे हैं एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर भी ली हैं. कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन अभी हम लोग पूरा एक अपना प्लान देख लेते हैं एंड उस प्लान में ये देख लेते हैं क्या क्या हमने ऑलरेडी कर लिया एंड क्या क्या करने के लिए रह गया है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यूज़ में बैठ पाएंगे. इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में मैं इस टाइम पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को उससे डीमोटिवेशन हो जाए, लेकिन CGPA भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है. अगर आपकी CGPA नहीं है तो आपके पास टाइम भी नहीं है अब, सो फॉरगेट अबाउट दैट. अच्छी तैयारी करो. काफ़ी कंपनीज होती हैं जो ओपन फॉर ऑल होती हैं, काफ़ी कंपनीज होती हैं जो CGPA अपनी कम रखती हैं, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं है, अभी जो है उसको करते हैं, जो ऑलरेडी हो चुका उसको भूल जाओ. सो लेट अस सी अ प्लान. ओके, लेट्स गो. तो अभी लाइट एडजस्ट करते पे ये वाली जो रिंग लाइट है वो टूट चुकी है यहाँ से, तो हो सकता है ये वाली वीडियो थोड़ी सी डार्क बने. अब हम लोग देखते हैं अपना प्लान. तो ये हमारा जो प्लान है एक ओवरऑल प्लान है फॉर प्लेसमेंट्स एज वेल एज इंटर्नशिप्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे टॉप पे लिखी हुई है वो है आपका DSL को के ऑलरेडी मैं जो 250 क्वेश्चंस की शीट है वो आपको दे चुका हूँ एंड अगर आपने वो चेकआउट नहीं की है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो वो शीट अगर आप कर लेंगे तो आपका DSL को हो जाएगा कंप्लीट. उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं. देन आते हैं सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सबसे टॉप पे मेंशनड है. इसकी भी एक प्रिसाइज वीडियो बना दी है जिसमें आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से ये पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद है DBMS. DBMS के दो पार्ट हैं, SQL एंड थ्योरी. इन दोनों की भी वीडियोस बना दी हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा दोनों. आई थिंक 2 या 3 दिन में सारा कुछ कवर हो जाना चाहिए. देन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन वीडियोस अपलोडेड, तो जो लोग इनको पहले से फॉलो कर रहे हैं आई गेस उनका ये कंप्लीट भी हो गया होगा, आप लोग भी जाके देख सकते हैं. देन उसके बाद बचता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये हम आज देखने वाले हैं. फिर बचता है हमारा प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट की भी वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाली है. एंड फाइनली जो आपका है सिस्टम डिज़ाइन या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि न्यू ग्रेजुएट्स को काफ़ी कम कंपनीज ये पूछती हैं, और जो कंपनीज पूछती हैं वो मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड DBMS से हैंडल हो जाते हैं, और अगर आपने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया हुआ है तो वो काफ़ी अच्छे से हैंडल हो जाएंगे. तो उसमें आपके जो ER डायग्राम होता है वो अच्छे से कर लेंगे एंड आपके जो क्लास डायग्राम्स होते हैं वो अच्छे से कर लेंगे, तो ये वाला जो लास्ट वाली चीज़ है वो आपकी ऐसी हैंडल हो जाती है, उसके लिए ज़्यादा अलग से नहीं करना. बट फिर भी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो लास्ट में इसकी भी एक वीडियो बना देंगे. तो ये आपका ओवरऑल प्लान है. मेनली आपकी दो चीज़ बचती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि इस वीडियो में कवर होने वाला है एंड प्रोजेक्ट्स जो कि काफ़ी जल्दी कवर होने वाला है, ठीक है? तो अभी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स देखते हैं, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे. तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का रोड मैप एंड इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशनड हैं. अब आप ये टॉपिक्स चाहे गीक्स और गीक से पढ़ें, चाहे बुक से पढ़ें, और चाहे तो आप इनकी यूट्यूब वीडियोज़ देख लें, ठीक है? इट इज़ द सेम थिंग, बट आपको ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. और अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ पर है आपके पास गीक्स फॉर गीक्स के लास्ट मिनट नोट्स, आप लोग ये पढ़ के जा सकते हैं. टाइम बहुत ज़्यादा है जो कि किसी के पास नहीं होता तो बुक पढ़ सकता है, ठीक है? बुक की भी लिंक प्रोवाइडेड है. देन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब आप एक बार देख सकते हैं. यूट्यूब पर इनकी वीडियो सर्च कर लेना आई वुड से, वरना आप इनके नोट्स वगैरह पढ़ लेना. देन यहाँ पर हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चंस के लिए आप किसी भी इस लिंक पर जा सकते हैं एंड क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ट्राई कर लो, या फिर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ट्राई कर लो, जो भी है आप लोग किसी भी एक लिंक पर जाके इनमें से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं. अगेन यहाँ पर थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स भी आते हैं फर्स्ट राउंड में, तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना. अगर आप चाहते हो कि आपका 100% कंप्लीट हो जाए तो न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस कर लेना. सो दिस इट, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार देख लेना, इनकी वीडियोज़ देख लेना एंड थोड़ी बहुत नॉलेज इनकी आपको होनी चाहिए. So this is it for the video. Link you will find in the description. If you are new to the channel, make sure to subscribe to the channel. Varna at least wo bell icon daba lo agar purane ho to. Aur video ko like kar dena. Thank you.